हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस नई वीडियो में, इस नए लेक्चर में। तो आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। एक आर्टिकल आया है द हिंदू में, तो हम उसको देखेंगे कि वो आर्टिकल क्या कहता है इकोनॉमी के रिलेटेड। तो मेनली इस आर्टिकल का कंसर्न ये है कि वो जॉब्स, एक्सपोर्ट्स और ट्रेड पैक्ट के बीच में एक लिंक बनाया गया है। इसमें ये बताया गया है कि कैसे इकोनॉमी जो है वो सफर कर रही है और क्या क्या इम्पैक्ट जो है वो इंडियन इकोनॉमी पे पड़े हैं इन तीनों की वजह से। तो आपको पता ही होगा, वैसे आपको एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि ये आर्टिकल लिखने वाले जो है वो पी चिदम्बरम साहब हैं। ये साहब जो हैं, ये जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को काफी करीब से देखा है, उसको जाना है। तो इन्होंने ऐसे जो सिचुएशन है वो पहले भी देख चुके हैं। ये जो 2008 में सिचुएशन हुई थी, फिर उसके पहले भी सिचुएशन रह चुकी हैं, तो उन्होंने भी, इन्होंने पूरा एक फेज देखा है एलपीजी से लेके 2008 के जो रिसेशन हुआ था वो, उससे लेके और पूरा अब तक का। तो इनका पूरा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ये यहाँ पे काफी मैटर करता है सबके लिए, हमारे लिए भी और अथॉरिटीज के लिए भी। तो यहाँ पे अब इस आर्टिकल में आपको ये चीज तो पता ही होगी कि जो भारत की जो इकोनॉमी है वो 23.9% से वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है। तो ये डाटा जो है वो किसने डाटा दिया था, ये एनएसओ ने जो है वो डाटा यहाँ पे ये दिया था। अब एनएसओ क्या है? एनएसओ है नेशनल स्टैटिक ऑफिस। ओके, अब जो नेशनल स्टैटिक ऑफिस है, ये नेशनल स्टैटिक ऑफिस जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के अंदर आता है। तो अब जो मिनिस्ट्री ये डाटा दे रही है, उस मिनिस्ट्री को आपने यहाँ पे पहले ये देखना है कि एनएसओ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स अफेयर, स्टैटिक्स एंड ये क्या है। तो ये आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एक तो इन्होंने ये कह दिया कि जो भारत की जो इकोनॉमी है इस 0.9% से जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है फर्स्ट क्वार्टर में। अब यहाँ पे क्वार्टर सिस्टम ये होता है कि भारत में जो इकोनॉमी है उसको 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला क्वार्टर है वो है अप्रैल से लेके जून तक। दूसरा क्वार्टर है जो जून से लेके सितंबर, जुलाई से, माफ कीजिएगा, जुलाई से लेके सितंबर तक। तीसरा क्वार्टर है वो जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक। और चौथा जो क्वार्टर है वो जैन, फेब और मार्च के बीच में है। तो ये क्वार्टर सिस्टम, अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि ये क्वार्टर सिस्टम पूरा जो है वो सीधा जनवरी से दिसंबर तक क्यों नहीं है। देखिए, ऐसा है कि ये जो एक पुराना सिस्टम चलता आ रहा है ये उसी पे बेस है। हालांकि वैसा जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है वो भी काफी सदियों से, जो सालों से जो है वो इसी बेस पे चलता आ रहा है। कुछ रिकमेंडेशन, कुछ कुछ कमेटीज ने अपनी रिकमेंडेशन भी दी थी, आप उन कमेटीज को अपना सर्च कर लीजिएगा खुद ही, क्योंकि, और अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि ये कमेटीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके जो मेंस आंसर राइटिंग में है जो, ये काफी हेल्प करती हैं आपको एक अपना आंसर जो है वो क्वालिटी उसमें लाने के लिए। तो अब पहला चीज तो ये आ गई। अब दूसरी चीज ये आ गई कि इनको चेंज करने का जो है रिकमेंडेशन, तो वो तो दी ही गई है, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जो कुछ नहीं कह सकते, वो काफी स्टेट्स हैं जो वो कहती हैं कि, वो ये रीजन देते हैं कि अगर हमने पूरा ये सिस्टम चेंज किया क्वार्टर सिस्टम, तो फिर पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, नए सॉफ्टवेयर लाने पड़ेंगे, जिससे है जो वो ज्यादा जो है वो एक फाइनेंशियल बर्डन है जो स्टेट्स पे आएगा। तो इसीलिए जो भारत की सरकार है वो अभी इस पे इतना फोकस नहीं कर रही, वो जैसा पुराना सिस्टम जो चल रहा था उसको ही वो जो है कंटिन्यू रखे हुए हैं। तो अब यहाँ पे मेन चीज ये है कि जो आरबीआई है, आरबीआई ने भी एक असम्पशन ये की है कि जो भारत की जो इकोनॉमी है वो 10% से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी क्वार्टर टू में, ये Q2 में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो जाएगी। और ये जो डाटा पहला था ये था
Q1 का डाटा था ये। अब देखते हैं कि जो जो फेस्टिवल्स रहे, दिवाली का फेस्टिवल रहा और जो बाकी आने वाले फेस्टिवल्स भी हैं, अब ये देखना इम्पोर्टेंट होगा यहाँ पे कि जो थर्ड क्वार्टर होगा उसमें इकोनॉमी जो है वो कैसे ग्रो करेगी, उसमें इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करेगी, अब ये देखने वाली बात होगी यहाँ पे। और ऐसा हिस्ट्री में पहली बार ही हुआ है कि इतना जो है वो इकोनॉमी में, इतनी रिसेशन में चल रही है जो भारत की इकोनॉमी पिछले काफी सालों से, जो पहली बार ही ऐसा हुआ है ये चीज। और इसका जो सीधा सीधा प्रमाण ये है कि ये रिसेशन में जाने का, ये काफी एक काफी इसके कारण है जो रिसेशन में जाने के। पहला कारण तो इसका आपको पता ही है कि COVID-19 है। दूसरा कारण इसका ये है कि जो ग्लोबल ऑर्डर में जो चेंज चल रहा है, और ग्लोबल ऑर्डर में जो प्रोटेक्शनिज्म का जो चेंज, जो एक चलन चला है कि अपने इकोनॉमी को, अपनी मार्केट को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं, और कुछ ही कंट्रीज में जो आपस में कंट्रीज होती है रीजनलिज्म पे काफी फोकस करती हैं, तो एक तो दूसरा रीजन तो ये भी है। और भी काफी इसके सारे रीजन है, लेकिन जो अभी मेन जो रीजन चल रहे हैं अभी प्रेजेंटली, वो ये दो बड़े रीजन है। तो इसमें जो है वो यहाँ पे एक चीज ये देखी गई है कि जो एवरेज जो इंडियंस है उन्होंने जो है वो अपनी जो जॉब है वो खो चुके हैं, और जो नए जो यंग लोग हैं जो, उनको जॉब मिलना अभी काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि अभी इतनी मार्केट में इतनी अभी डिमांड एंड सप्लाई नहीं है। अब डिमांड एंड सप्लाई क्या चीज होती है कि डिमांड एंड सप्लाई एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो है वो इकोनॉमी जो है वो परफॉर्म करती है। अगर डिमांड होगी तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे, और प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने उनको एक वर्किंग फोर्स चाहिए होगी, और वर्किंग फोर्स जो उनको चाहिए होगी, और वो क्या करेंगे, जो वर्किंग फोर्स है वो अनएम्प्लॉयमेंट दूर करेगी। जब अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा वो पैसा खर्च करेंगे, जब वो पैसा खर्च करेंगे तो मार्केट में जो है मनी मनी फ्लो जो है वो बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं जो है जो वो इकोनॉमी के लिए, एक भारत जैसी इकोनॉमी के लिए वो एक सही बात है, भारत को काफी दूसरे एस्पेक्ट भी हैं जो वो देखने पड़ेंगे। केवल भारत अपने आप पे ही चीजों से लेके जो है वो डिपेंड नहीं रह सकता। तो यहाँ पे इन्होंने एक तो ये चीज कह दी, और दूसरा इन्होंने यहाँ पे ये कह दिया कि जो स्लोइंग जो हुई है 2018-19 में और 19-20 में, और उसके बाद में जो कोविड आ गया उसके चलते, एक एस्टिमेट यहाँ पे ये लगाया है कि जो 2 करोड़ लोगों ने यहाँ पे अपनी जो है वो जॉब जो है वो खोई है। और इसमें ये नहीं है कि सिर्फ इनफॉर्मल सेक्टर में लोगों ने अपनी जॉब खोई है, फॉर्मल सेक्टर में भी जो है वो काफी लोगों ने जो है अपनी जॉब खोई है, और फॉर्मल सेक्टर में जॉब लोगों ने खोई है, और इनफॉर्मल सेक्टर में, इनफॉर्मल सेक्टर का यहाँ में मतलब ये निकलता है कि इनफॉर्मल सेक्टर पे जो लोग रेगुलर बेजिस पे थे, जो कैजुअल वर्कर्स थे, और जो नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स थे उन्होंने अपनी जॉब खोई है, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे जो कि कहीं पे अपना जो दुकान चलाते थे या कहीं पे अपना वेंडर का जो काम करते थे, तो वहाँ पे इकोनॉमी में जो कोविड के चलते जो काफी एक बड़ा उनको जो है वो सामना करना पड़ा है इस चीज का, और इसका असर जो सीधा सीधा जो है भारत की जो है इकोनॉमी पे पड़ा है। और इकोनॉमी के असर पड़ने के साथ साथ जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बढ़ा है इसके चलते। और यहाँ पे एक ये अब यहाँ पे देखने वाला प्रोसेस ये है, देखने वाला बड़ा चैलेंज ये है कि जो भारत की जो सरकार है वो क्या पॉलिसीज यहाँ पे अपनाती है और एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करने के लिए। और जो अभी सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो यही है कि जो एक जॉब को लेके है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो आजकल के जो है वो आजकल की जो जो सिस्टम चल रहा है, आज का जो यूथ है उसको लेके, जॉब को लेके वो काफी जो है वो समस्या में है, और इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि भारत में जो है वो एक तो काफी एक मध्यवर्गीय लोग हैं, भारत में काफी जगहों पे आपको गरीबी देखने को मिलेगी, काफी जगह पे आपको हंगर भी देखने को मिलेगा, और इस चीजों को ले देखते हुए भारत जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता।
और यहाँ पे एक तो ये चीज देखी गई है, तो जो मनरेगा स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, उसके तहत जो है वो भारत सरकार है जो वो 100 दिन का सबको है जो वो काम देती है। और इसमें ये देखा गया है कि जो लॉकडाउन के चलते इसमें 11 करोड़ लोगों ने है जो वो मनरेगा के अंदर जो है वो काम मांगा है। और ये एक सडन एक राइज हुआ है मनरेगा का कि 20% से भी ज्यादा, 20 times मोर जो है लोगों ने यहाँ पे जो है वो एम्प्लॉयमेंट मांगा है। अब यहाँ पे आपको मनरेगा के ऊपर भी यहाँ पे एक मेंस में ये क्वेश्चन जो है वो फ्रेम कर सकते हैं कि मनरेगा का क्या रोल रहा लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट पहुंचाने में इस पेंडेमिक में। तो ये काफी एक इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक हो जाता है आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये सब तो उन्होंने एक एग्जांपल्स के तौर पे दी है कि अगर हम 10 लाख रुपए किसी कंपनीज को, कुछ कंपनीज को देंगे तो वो कैसे कैसे जो है वो अपना प्रोड्यूस करेंगे। और ये इकोनॉमी सर्वे 2016-17 से लिया गया है। अब यहाँ पे मेन कंसर्न है कि जॉब्स कहाँ है, जॉब्स अगर लानी है तो जॉब्स कैसे लाएंगे। अब यहाँ पे ये देखने वाला चीज है कि जो अगर जो क्वालिटी जॉब्स हैं जो वो क्रिएट अगर होंगी तो वो किन सेक्टर्स में होगी, और वो सेक्टर्स कौन से होंगे। वो सेक्टर होंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सेक्टर होगा, वो एग्रीकल्चर सेक्टर होगा, वो फॉर्मल सेक्टर होंगे। इनफॉर्मल सेक्टर में अगर हम बात करें तो वो जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होंगी वहां पे उसकी उसके लिए वो होगा। यहाँ पे इन्होंने ये एग्जाम्पल दी है कि जो अरविंद सुब्रमण्यम थे और प्रोफेसर चटर्जी थे उनकी एक स्टडी थी, इन्होंने उस स्टडी को यहाँ पे कोट किया है। और स्टडी क्या थी कि जो एक्सपोर्ट था, भारत का जो एक्सपोर्ट था उसका जो है वो काफी एक इम्पोर्टेंट रोल रहा था। जो एक सडन बूम आया था इंडियन इकोनॉमी में 2003 से लेके 2012 के बीच में। अब यहाँ पे उन्होंने ये जो स्टडी थी उसने ये माना है कि जो एक्सपोर्ट था सर्विसेज में सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो टू द मैन्युफैक्चरर्स एंड द अदर गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसकी वजह से उसने जो है वो भारत की जो है इकोनॉमी को है जो बचाया था। क्योंकि उस आपको पता ही होगा कि जो भारत का जो मैक्सिमम शेयर है जो वो सारा सर्विस सेक्टर से आता है। सर्विस सेक्टर का एक काफी इम्पोर्टेंट जो है वो परसेंटेज है इंडियन जीडीपी में। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया कि जो इंडिया है वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्ट है, मैन्युफैक्चर है गुड्स का, और पूरी दुनिया में 12% जो है वो भारत की ग्रोथ है आफ्टर वियतनाम एंड चाइना। तो इन्होंने ये बताया है, ये चीजें थोड़ी डिस्कस की हैं। अब इन्होंने यहाँ पे ये बताया कि जो मेक इन इंडिया था, हाँ अब यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हैं जो मेक इन इंडिया है और आत्मनिर्भर भारत है। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत है और मेक इन इंडिया था, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं, और सरकार ने इन दोनों पॉलिसीज को जो वो कैसे कैसे फ्रेम किया था अपने एक टाइम स्पैन में। और यहाँ पे इन्होंने ये बताया था कि जो मर्चेंडाइज जो गुड्स गुड्स थे जिनका एक्सपोर्ट जो था वो 2013-14 में जो 314 बिलियन का था वो स्टैगनेट हो गया, वो कम हो गया, 313 बिलियन का हो गया 18-19 में। तो ये आप वही प्रोटेक्शनिज्म जो आ गया उसकी उसके चलते ही ये जो है वो इसका जो है प्रभाव है वो इस पे भी पड़ा। और इसका जो मेन इन्होंने रीजन ये दिया है कि इंडिया के जो पर्सपेक्टिव में ये जो चीज हुई थी ये क्यों हुई थी, क्योंकि जो है वो एक तो डीमोनेटाइजेशन हो गया और दूसरा जो है जीएसटी। इन्होंने ये दो रीजन दिए हैं यहाँ पे इस चीज को लेके। और इंडिया ने यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ये चीज बताई, जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, ट्रेड फॉरेन पॉलिसी है, उसको भी है वो जो उसमें जो है काफी हाई टैरिफ्स हैं। अब टैरिफ्स यहाँ पे क्या होते हैं, टैरिफ्स होते हैं हाई ड्यूटीज, हाई टैक्सेस जो है वो भारत जो है वो लगाता है। और कुछ कंट्रीज के साथ हमने जो वो ट्रेड है वो रिस्ट्रिक्ट भी किया है, जैसा कि आप पाकिस्तान को ले सकते हैं। और अभी भारत ने, आपको पता ही होगा कि भारत ने और 23 जो है वो चाइनीज ऐप जो है वो बैन किए हैं। तो ये इन्होंने सारी कुछ है जो प्रोटेक्शनिज्म की जो है वो बातें यहाँ पे की हुई हैं।
और यहाँ पे इन्होंने ये भी किया, और यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि जो ट्रेड एग्रीमेंट्स है उनका भी कहीं ना कहीं जो है वो एक रोल रहा है भारत को, जो है वो उसका थोड़ा सा एक लॉस भी हुआ है। वो लॉस किस बेसिस पे हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं जो आशियन कंट्रीज हैं उसमें जो है वो भारत जो है वो काफी ज्यादा ट्रेड डेफिसिट में है, और सबसे ज्यादा हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना के साथ ही है। 50 बिलियन का जो है हमारा वो है जो ट्रेड डेफिसिट है। यहाँ पे आपको एक चीज ये देखनी है कि जो इंटरनेशनल आर्बिट्री ट्रिब्यूनल है जो, उसको आपने देखना है कि वो क्या है। वो ये आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से है जो काफी है जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इन्होंने यहाँ पे थोड़ा गवर्नमेंट को थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया है। इन्होंने अपने इन्होंने जो हमारे भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने उनको भी कोट किया है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे कुछ इसको पॉज करके जो पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी एक आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा उनके लिए है जिनका इकोनॉमी ऑप्शन है, तो उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। आप अगर आपका जो मेंस जनरल स्टडीज के लिए है वो इतना ज्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि जो एक्सपोर्ट है वो वन ऑफ द मेन जो है वो इंजन है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, और जब जो जब एक्सपोर्ट होगा तो एक्सपोर्ट के साथ 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 जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होगा, नई जॉब्स आएंगी। तो इन्होंने यहाँ पे कुछ ये बताया है। तो इन्होंने यहाँ पे सुब्रमण्यम जो है, सुब्रमण्यम और चटर्जी की यहाँ पे एक एस्टिमेट उन्होंने ये दिया है कि भारत के पास अपने एक्सपोर्ट के प्रति एक अपने एक्सपोर्ट के साथ एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे 60 बिलियन का जो है वो एक्सपोर्ट करने के लिए गुड्स गुड्स का। और इन्होंने ये कहा है कि भारत को है वो जो अपनी मार्केट जो एक्सेसिबिलिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी, और प्रोटेक्शनिज्म को पीछे छोड़ के, अगर प्रोटेक्शनिज्म के अगर हम चंगुल में फंस के रहे तो ये काफी एक भारत के लिए है जो सेटबैक होगा। अब ये चीज आपको काफी एक हेल्प करती है अपना जो है वो आंसर डेवलप करने के लिए। देखिए एडिटोरियल्स का काम क्या होता है, एडिटोरियल्स का काम ये होता है कि आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको बढ़ाए। तो अगर आप अपनी थिंकिंग एबिलिटी को अगर आप जनरल स्टडीज में अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एडिटोरियल्स है वो काफी ध्यान से देखने पड़ेंगे। अगर आप बाकी न्यूज को इग्नोर करते हैं तो वो चलेगा, लेकिन अगर आप एडिटोरियल्स को इग्नोर करते हैं वो तो आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एडिटोरियल जो है वो एक जनरल स्टडीज में काफी एक इम्पोर्टेंट मायने रखते हैं, और एक काफी एक उनकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आंसर्स ये देखा गया है कि वो एडिटोरियल से ही जो है वो मिलते जुलते हैं जो रहते हैं। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं, प्रीवियस जो पेपर है उनको आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो प्रीवियस ईयर जो है वो आंसर जो है वो पूछे गए हैं। आप 2019 में भी देखेंगे कि एक भारत की इकोनॉमी के ऊपर जो स्लो डाउन चल रहा था उसके ऊपर उन्होंने एक क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है। तो यूपीएससी क्या करती है कि वो प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो थीम्स होती हैं उन थीम्स को लेती है, और जो करंट जो टॉपिक चल रहे होते हैं उन पे जो है वो आंसर फ्रेम करती है। तो एक बैलेंस अप्रोच ये लेके यहाँ पे चलना पड़ेगा कि कैसे आप अपनी आंसर राइटिंग, अपनी प्रिपरेशन को कैसे एक एनहेंस करके रखें, और कैसे उसको आप एक सिस्टमेटिक वे में उसको चलाएं। तो आपको किसी भी तरीके से अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितने भी आगे अपडेट्स आएंगी तो उसका आप नोटिफिकेशन जो है वो आपको आ जाएगा। तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।